अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से एकदम ठीक ठाक हैं। हैं कोटा रंगीन होटल की चाय की रेसिपी। हर जगह कोटा होटल है और उनकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस होती है और आज आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रहे हैं। दूध मैंने फ्रिज से पहले निकाल दिया है, थोड़ा सा पानी आधा कप समझ लें क्योंकि मैं एक कप की चाय बना रही हूँ। आधा पानी और आधा दूध शामिल करूँगी मैं इसमें। इसमें मैं डालूंगी इलायची डालूंगी कूट के, और इलायची मैं चाय के पत्ती के डब्बे में ही रखती हूँ, कभी कूट के बस इसमें मिक्स भी कर देती हूँ जब टाइम ना हो तो, इसमें वैसे ही रख देती हूँ। पानी फुल फ्लेम पे रखें ताकि वो जल्दी उबल जाए। और अब ये इलायची को मैं कूट लेती हूँ। मसाला चाय बनाना चाहें तो इसमें अदरक भी कूट के डालें, लेकिन मैं मसाला चाय नहीं बना रही हूँ, मैं कोटा होटल की चाय बना रही हूँ, सिर्फ इलायची। तो ये हो गई इलायची, इसमें चली गई। चीनी और पत्ती एक साथ डालेंगे, दूध में डालेंगे तो दूध को पतला कर देगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। ये गई पत्ती, चीनी मैं बहुत कम लेती हूँ, आधा चम्मच लेते हैं, थोड़ा सा और कर देते हैं बस। फौरन ये रंग छोड़ने लगी है, जब चाय पानी को उबाली आ जाए तभी पत्ती डालें, तो उसमें ज़्यादा अच्छी चाय बनती है। उबाली आ गई है, बस इतनी चाय बनाएंगे हम। अब हस्बैंड साहब उठ गए हैं, उन्होंने भी सुन लिया कि मैं चाय बना रही हूँ, तो उन्होंने लाजमी मांगनी है, तो फिर आधा कप उनके हिस्से का भी मैंने दूध डाल दिया। तब जैसे ये उबाली इसको आएगी फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। इसको अच्छे से कड़ाना ज़रूरी है। आप चाय के फ्लेम को ज़रा हल्का कर दें। तो ये देख सकते हैं चाय को तकरीबन 5 मिनट दम पे रखा और अच्छी सी चाय उबल गई, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। इसका फ्लेम ऑफ, डिश आउट। और जनाब चाय रेडी, बहुत ही प्यारे से कलर के साथ। बैठते हैं, ये इसकी किताब है, लिखने वाली किताब है, मार्कर के साथ सारे सबक इसमें किताब में लिखेगा। अच्छा ये देखो, ये इसके 1 2 3 वाले हैं, ये इसके एलोपे वाले हैं, निकाल के लगाएगा। अच्छा ये इसके मार्कर हैं, सेफी का तो पूरा काम हो गया। अच्छा, ये इसकी चॉक्स हैं। अभी बात सुनो, ये देखो ये असल चीज ये है इसकी, स्लेट और बोर्ड। देखो वाह वाह, अब बोर्ड आ गया इसका। अब इसको लिखना आ जाएगा, मजा आएगा। अगली देखो बात, अगली बात देखो, ये इसका इतनी शॉपिंग। अब आंखें बंद करो, आप अब्दुल्ला और सेफी और सारे आंखें बंद करो। सियालकोट की असल चीज बेनियन फुटबॉल अपने बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बॉल दिखाओ, बॉल दिखाओ, बॉल दिखाओ। वाह, इतना ही तो बॉल पहले वाले लाए थे तो वो अभी गुम हो गया है ना। देखो चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मजा आया नहीं आया? ये अच्छी है, अच्छी। थैंक यू बोलो, थैंक यू। अब ये देखो, इधर आओ, देखो अब ये देखो, कमाल देखो इसका, ये बहुत अच्छा है। ये देखो भाई इसका कमाल देखो, ये देखो ये कमाल है ना, मामा का दिखा रही है। देखो ये देखो, नहीं नहीं नहीं, ये कमाल देखो, कमाल देखो, ये सारा अल्फाबेट सारा कुछ इसमें लिखेगा। देखो इसने, देखो ये देखो, ये इसने एस लिखा, ये एस लिखा, और मिटाओ फटाफट। मिटा कैसे? मिटता भी है और लिखता भी। ये देखो ये मिट गया बस, ये देखो उसका पापा, ये देखो उसको मार कर दिया भाई, ये मिट गया। देखो उधर लिखेगा, उधर मिटा देगा बस। नहीं नहीं, वैसे लिख भी नहीं का सूख जाएगा तो ज्यादा अच्छा मिटेगा। नहीं, ये अब इसका पक्का काम नहीं करता। हां, फोन निकाल देता हूं। नहीं, अब ये नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ओके,
ये वो काले वाली साइड के लिए, ब्लैक साइड के लिए ना चॉक सही। इस पे भी अगर लगे ना भी लिखे तब भी अगर ऊपर ऊपर जो भी पेंट जगह वो भी होती है ना, पेंट जगह पे भी चॉक से लिखा जा सकता है। हाँ चलो बहुत अच्छा है। ये देखो ये मैजिक मैजिक जो है ना वो है अल्फाबेट है, पूरे नहीं है पूरे हैं नीचे ऊपर है। तो कटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोनों कुर्ते मैंने काट लिए हैं और अब मैं इन सब सामान को लेके जा रही हूँ दूसरे कमरे में जहाँ पे मैंने सेटअप बनाया हुआ है सिलाई का। और अब मैं इन दोनों कुर्तों को सिलाई करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। सिलाई तो कंप्लीट नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जब कुर्ते सिल जाएंगे फिर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। जो मेरा अपना सूट था जिसका मैं बार बार क्लिप दे चुकी हूँ कि ये मैं सी रही हूँ, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है अल्लाह का शुक्र है। और अब इंशाल्लाह जो है ना जल्दी से ये दोनों कुर्ते भी सिल जाएंगे। ये देखें मैंने पूरा सेटअप यहाँ पर रख दिया है। ऊपर जो मैं काम कर रही थी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ऊपर बकरा आ गया है, अब मैं ऊपर काम नहीं कर सकती। और नीचे मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि यहाँ पर वैसे तो बच्चा अब्दुल्ला जो है वो स्टडी करता है, लेकिन उसके स्टडी टेबल को मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी जब नीचे बैठती हूँ ना फिर कमर में शदीद किस्म का दर्द होता है, तो इसलिए मशीन का काम नीचे करने से के बजाय ऊपर करने में मुझे ज़्यादा सहूलत होती है। तो मैं जल्दी से ये दोनों कुर्ते ऊपर सी लूँगी, आसानी रहेगी बग़ैर दर्द के, क्योंकि जब कमर में दर्द शुरू हो जाता है तो मुझे काम छोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिलाई विलाई का शौक़ रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त काम है, इससे बंदा स्ट्रेस फ्री रहता है। जब भी आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो आप इस काम में लग जाए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा क्योंकि आपका ध्यान जो है ना सारा इस तरफ आ जाएगा। ये बरीकी वाला काम जो होता है ना ये इंसान को स्ट्रेस फ्री कर रखता है, तो ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है ये वाला काम, मैं अपने हद तक तो करती ही हूँ। और दूसरी मैं ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह का काम करें तो इसके लिए अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कोई बॉक्स रखे, कोई बैग रखे, कोई भी ऐसी चीज़ रखे जिसमें आपका ये वाला सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा हो, जैसे आपका स्केल है, आपके चॉक्स है, आपके सीजर्स है, आपके सुइयाँ हैं, धागे रीलें, जितना भी सामान है सिलाई से रिलेटेड वो मशीन का, उसका एक अलग से बॉक्स होना चाहिए, छोटा सा बैग होना चाहिए ताकि वो आपको कन्वीनियंट रहे। मैं लेकर आती हूँ अपने बच्चे को, पूरा बच्चा है, बैठ ठीक है, मैं तुम्हारे ले जाती हूँ, तो कीड़ा पसंद है ना। गाजर नहीं? ठीक है गाजर नहीं। आज हमने क्या बनाया है? इसको कहते हैं लौकी कीमा, ठीक है, बहुत टेस्टी है ना, मुझे क्या है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।